watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया दिन एंड आज हम आ चुके हैं मेरठ में। खुल चुका है बहुत ही फेमस हल्दीराम एंड आज हम आ चुके हैं यहाँ आ चुके हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए कैसा है मेरठ का हल्दीराम। दिल्ली में तो हम बहुत घूमे हुए हल्दीराम में, लेकिन मेरठ का हल्दीराम कैसा है तो आज एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो आओ चलते हैं अंदर एंड अच्छे से बताएंगे कैसा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है नया दिन एंड आज हम आ रखे हैं मेरठ के हल्दीराम में एंड हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। बाकी ये नया खुला है मेरठ में पहली बार हल्दीराम एंड कुछ ऐसा एम्बियंस है इसका, ये देखिए कितना सुंदर एम्बियंस है। और हमने अपना ऑर्डर दे दिया है जो कि है, दिखाता हूँ, हमारा ऑर्डर है आलू टिक्की और विद दही वाला। तो हमने ऑर्डर दे दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है एम्बियंस। बाकी मैं आपको इसका सिनेमैटिक दिखाई चुका हूँ, आप बताना कैसा है एंड टेस्ट हम इसका ट्राई करते हैं। टेस्ट तो नो डाउट इसका अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा ही होगा। जानी मानी कंपनी हल्दीराम की, तो हम गाइस नमकीन वगैरह खाते ही हैं। तो बाकी वेट करते हैं उसका। हमारी आलू टिक्की आ चुकी है एंड बहुत ही अच्छी ज़्यादा प्रेजेंटेशन करके लेके आए हैं एंड अब इसका हम टेस्ट ट्राई करेंगे कि कैसा है। तो चलो अब इसका टेस्ट ट्राई करने जा रहे हैं कि कैसा टेस्ट है। बाकी हमने आलू टिक्की तो बहुत खाई है मेरठ में रह के, बाकी हल्दीराम की आलू टिक्की हमने कभी नहीं खाई। तो चलो आज ट्राई करते हैं कैसी है आलू टिक्की मेरठ की हल्दीराम की। स्लाइस अपना ले लिया है, स्वाद है, फ्रेश है एंड रिकमेंड है, आ सकते हैं। मेरठ में हल्दीराम खुला और आप आए ना, बाकी इधर उधर तो जाते हो, मेरठ में नहीं आए हल्दीराम आने का तो फिर फायदा क्या। तो बाकी मैं टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, फ्रेश है एंड ओवर कुछ नहीं है, मसाला कुछ नहीं ओवर है, चटनी नहीं मीठा खट्टा ज़्यादा कुछ ओवर नहीं है, सब बैलेंस्ड है, अच्छा है। और तो आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है मेरे चैनल की तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं। बाकी इसका एड्रेस मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, तो देख के बताना आके। अगर आप आओ तो कमेंट में मुझे टैग कर देना। कि गाइस इन्होंने अनार के पीस भी डाल रखे हैं, देखो थोड़े थोड़े प्रोमीग्रेनेट के पीस डाले हुए हैं एंड जिसका स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में पहली बार ही मैंने खाया प्रोमीग्रेनेट, बीच में ऐसे आ रहा है तो अच्छा है। पब्लिक भी काफ़ी आई हुई है, काफ़ी पब्लिक है। हमने तो खा लिया है यहाँ पे आलू टिक्की एंड बहुत ही स्वाद था। बाकी हम यहाँ पे अपने शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि टी टाइम स्नैक्स के लिए हम अपने चाय वगैरह के साथ अब कुछ खाना हो तो उसके लिए भी हम ये ले सकते हैं, जैसे कि मटरी हो गई, बहुत सारे नमकीन वगैरह हो गए एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सारी हल्दीराम्स की। जैसे हम हमारी फेवरेट है इसके अंदर वो खट्टा मीठा खाते थे हम, ये रही खट्टा मीठा तो फेमस है। बाकी अभी घर पर तो रखिए, घर के लिए भी अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से लेके जा सकते हैं। आलू भुजिया भाई देखो कितना बड़ा पैकेट आलू भुजिया का, इतना बड़ा पैकेट है भाई साहब,
तो मज़ेदार है बिल्कुल, बहुत मज़ा आ गया। पंजाबी तड़का, ओए होए, तो सब कुछ हम हल्दी राम का ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पे। एंड एम्बियंस भी बहुत अच्छा बना हुआ है एंड सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी थी, फास्ट थी, और हैंड टू हैंड क्लीन करी जा रहे हैं। ये नहीं कि गंद यहाँ पे रखा हुआ है या कुछ ज़्यादा डर्टी फैला रखा है, नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड टू हैंड क्लीन करी जा रहे हैं, तो अच्छा है। तो अच्छा है गाइज, आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बर्थडे पार्टी, स्नैक्स, कुछ भी करना हो आके, डिनर कुछ भी करना हो, ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे आके आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।